हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे एंटमैन 3 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो काफी टाइम से रूमर्स आ रहे थे और काफी टाइम से काफी कमाल कमाल के अपडेट आ रहे थे, पर दो मुझे अपडेट सबसे ज्यादा अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि इनको तो डिस्कस करना आपसे जरूरी है। क्योंकि एंटमैन का जो तीसरा पार्ट आ रहा है वो एक तरीके से ट्रायलॉजी होती है, और आपने देखा होगा कि एमसीयू में जब भी किसी भी कैरेक्टर की ट्रायलॉजी आती है तो भाई वो एक एक्सट्रीम लेवल पे होती है। जैसे कि अगर बात करी जाए सबसे पहले थॉर मूवी की, तो रैग्नोक कितनी ज्यादा कमाल की थी। ठीक है, थॉर उसमें सब कुछ खो देता था, अपनी आंख को, अपने हथौड़े को, अपने एस्गार्ड को, हर चीज को। अब बात करें आयरन मैन की, तो आयरन मैन की जब तीसरी मूवी आई थी तो आयरन मैन ने अपने सारे सूट को खत्म कर दिया था। ठीक है, अपने घर को खो दिया था, बीबी से एक तरीके से जाने के कह सकते हैं, पेपर से एक तरीके से लड़ाई हो भी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी और पेपर ने तो कितनी बड़ी कुर्बानी भी दी थी। और बात करी जाए कैप्टन अमेरिका की ट्रायलॉजी की, तो भाई सिविल वॉर में उसके साथ क्या हुआ कि मतलब जब वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था तो शील्ड भी जा चुका था, बिल्कुल टीम भी जा चुकी थी, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था टोनी, जो कि हमें शील्ड के एपिसोड 1 में पता चला, वो तक खो चुका था। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो अब एंटमैन का भी तीसरा पार्ट आ रहा है और ये मूवी काफ़ी बड़े लेवल स्केल पे बन रही है। उसमें कैंग हमारा मेन विलेन होने वाला है जो कि टाइम ट्रेवलिंग करेगा, और बताया ये जा रहा है कि इसमें शायद एंटमैन आपको मरता हुआ दिखाई दे, यानी कि ये शायद एंटमैन की लास्ट मूवी हो सकती है। अब जब इतना बड़ा इवेंट होने वाला है तो इसकी रनिंग टाइमिंग क्या होगी। तो काफ़ी टाइम से रूमर्स आ रहे हैं कि इस मूवी की जो एक्चुअली में रनिंग टाइमिंग होने वाली है वो होने वाली है 2 घंटा 45 मिनट से भी ज़्यादा की, अराउंड कह सकते हो कि कट कटा के 2 घंटे 45 मिनट या 2 घंटे 40 मिनट की हो सकती है। क्योंकि ये मूवी 3 घंटे या 3 घंटे 10 मिनट की तो बनेगी, और ये काट पीट कर और कह सकते हो जो मतलब इनको सीन पसंद नहीं आते हैं या VFX टाइम पे कंप्लेंट नहीं होता है, तो ये मूवी कम से कम इतना टाइम की तो रखेंगे। तो आपको ये रन टाइम जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या एंटमैन 3 आपको 2 घंटे 45 की देखने में मजा आएगा या नहीं। और चलिए उसके साथ साथ बात करते हैं एंटमैन 3 के ट्रेलर के अपडेट के बारे में। तो काफी टाइम से इस मूवी की शूटिंग चल रही थी, कंप्लीट भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, और ये मूवी अगले साल फरवरी में शायद मे बी रिलीज होने वाली है। राइट हर्ष, फरवरी में रिलीज होने वाली है। ओके, तो फरवरी में ये मूवी रिलीज होने वाली है, और इस मूवी का जो ट्रेलर रिलीज होने के अपडेट्स आ रहे हैं अक्टूबर में। पर सितंबर में तो D23 भी है, तो मुझे लगता है कि शायद सितंबर में हमें फर्स्ट पोस्टर देखने को मिल सकता है, लुक देखने को मिल सकता है, और प्रॉपर ट्रेलर देखने को मिल सकता है अक्टूबर के मंथ में। तो ये भी फिलहाल रूमर है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, और जैसे कोई कंफर्मेशन आ जाएगी तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, मैं आपको तुरंत वहां पे सारे अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा ऑन स्टोरी पर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।